बड़ी खबर आ रही है बहराइच से। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के मामले में एक्शन पुलिस ने 30 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। महेशी के भगवानपुर में विसर्जन के दौरान हुआ था बवाल। बवाल के दौरान इलाके में हुआ था जमकर पथराव। बवाल के दौरान हुई थी आगजनी, जलाई गई थी दुकानें। फायरिंग के दौरान गोली लगने से युवक की हुई थी मौत। रामगांव के रेवा मंसूरी गांव के राम गोपाल की मौत। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को किया गया है तैनात। कई जिलों से अतिरिक्त फोर्स को भी बुलाया गया है। फिर से बता दें बड़ी खबर आ रही है इंटर 24x7 लाइव टीवी पर। बहराइच से मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के मामले में एक्शन। पुलिस ने 30 संदिग्ध व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। महसी के भगवानपुर में विसर्जन के दौरान हुआ था बवाल। बवाल के दौरान इलाके में हुआ था जमकर पथराव। बवाल के दौरान हुई थी आगजनी, जलाई गई थी दुकानें। फायरिंग के दौरान गोली लगने से युवक की हुई थी मौत। रामगांव के रेवा मंसूरी गांव के राम गोपाल की मौत। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को किया गया है तैनात। कई जिलों से अतिरिक्त फोर्स को भी बुलाया गया है। फिर से बता दें बड़ी खबर आ रही है बहराइच से मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के मामले में एक्शन। पुलिस ने 30 संदिग्ध व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। महसी के भगवानपुर में विसर्जन के दौरान हुआ था बवाल। बवाल के दौरान इलाके में हुआ था जमकर पथराव। बवाल के दौरान हुई थी आगजनी, जलाई गई थी दुकानें। फायरिंग के दौरान गोली लगने से युवक की हुई थी मौत। रामगांव के रेवा मंसूरी गांव के राम गोपाल की मौत। मौके पर भाली पुलिस फोर्स किया गया तैनात। कई जिलों से अतिरिक्त फोर्स को भी बुलाया गया। इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर ब्यूरो रिपोर्ट।